इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी कंपनी में काम करने के दौरान अगर आपको पैसा का जरूरी पड़ गया तो आप एडवांस में पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएफ का पैसा एडवांस में निकालने के लिए सबसे पहले आपको पीएफ ऐप में जाके चेक करना होगा कि आपका एडवांस में कितना पैसा निकलेगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर आइएगा, प्ले स्टोर पर आके आपको सर्च करना है पीएफ बैलेंस चेक। तो सेकेंड नंबर पे इस वाला ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मेरा पहले से इंस्टॉल है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पे आपको पीएफ पासबुक पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना यूएन नंबर और पासपोर्ट डाल के गेट पासबुक पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपका यूएन नंबर और पासबुक नहीं बना है तो यूएन कैसे बनाना है, यूएन नंबर कैसे एक्टिव करना है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले जाके आप यूएन नंबर और पासपोर्ट बना लीजिए, यूएन को एक्टिव कर लीजिए। उसके बाद गेट पासबुक पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे 30 सेकंड का एड आएगा, तो एड को आपको पूरा देखना है, कट नहीं करना है। एड देखने के बाद यहाँ पे कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा मांगेगा, जो भी कैप्चा आपको दिखाएगा यहाँ आंसर पे डाल के सबमिट कर दीजिए। तो आपके सामने बैलेंस दिखा देगा। योर कंट्रीब्यूशन में जो भी अमाउंट आपका दिखाता होगा उतना अमाउंट तक आप निकाल सकते हैं पीएफ एडवांस में, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। उससे ज़्यादा निकालने के लिए आपका सर्विस को डीएक्टिवेट करवाना होगा, पीएफ को क्लोज करवाइएगा, तभी आप सारा अमाउंट निकाल सकते हैं। पीएफ एडवांस में आप योर कंट्रीब्यूशन का मैं जितना अमाउंट दिखा रहा है उतना ही निकाल सकते हैं, उससे कम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि पीएफ एडवांस के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए आप गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ईपीएफ लिख के यहाँ के आपको सर्च करना है। सबसे फर्स्ट वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्विसेज पे आना है। सर्विसेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन पे आना है, एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय पे आने के बाद यहाँ पे मेंबर यूएन ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर आपका यूएन एक्टिव नहीं हुआ तो सबसे पहले आप यूएन एक्टिव करके अपना आईडी पासवर्ड बना लें। यूएन एक्टिव कैसे करना है इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। यूएन एक्टिव होने के बाद यहाँ आप लॉगिन करें। जैसे आप लॉगिन करें आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी और कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका पीएफ का जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको यहाँ से लेटर कर दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। उसके बाद केवाईसी का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको केवाईसी देखना है कि केवाईसी अप्रूव है या नहीं। अगर आपका केवाईसी अप्रूव नहीं है तो सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे गया है। सबसे पहले आप केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31 पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए जो आप केवाईसी के समय दिए थे। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यस कर दीजिए। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको पीएफ एडवांस सेलेक्ट कर लेना है। पीएफ एडवांस का ही ऑप्शन होगा आपका। उसके बाद सेलेक्ट सर्विस पे क्लिक करके आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं यहाँ से उस कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मेरा एक ही कंपनी है तो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। उसके बाद किस रीजन से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इलनेस ही सेलेक्ट कर लीजिएगा तो सबसे जल्दी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, आप कितना अमाउंट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जितना अमाउंट आप चेक किए थे उतना अमाउंट डालिएगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं डालिएगा तो ये आपका आएगा, ज़्यादा डालेंगे तो नहीं आएगा। जितना अमाउंट आपको दिखाया उतना ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करके पासबुक या चेकबुक का एक फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे पासबुक या चेकबुक जो भी यहाँ पे आप डालेंगे तो उससे केपी के अंदर रहना चाहिए, तो ही अपलोड लेगा नहीं तो नहीं लेगा। उसके बाद इस वाला पे बॉक्स पे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद एंटर आधार ओटीपी पे क्लिक कर लीजिए। आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वैलिडेट ओटीपी फॉर सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ गया, सक्सेसफुली पीएफ एडवांस के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आता है, डाउनलोड नहीं होता है, तो फिर से आपको ऑनलाइन सर्विस पे आना है। उसके बाद ट्रैक क्लेम पे आपको क्लिक करना है। ट्रैक क्लेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका ट्रैक क्लेम पे स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका क्लेम सक्सेसफुल हो चुका है।
अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं रिसीविंग को, तो यहाँ डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके इनसे डाउनलोड करके पीडीएफ सेलेक्ट करके इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई हो चुका है। अब आपको 10 से 15 भी दिन तक वेट करना है, इसके अंदर में कभी भी आपके अकाउंट में पैसा को क्रेडिट कर दिया जाएगा जितना भी आप पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई किए हैं। अगर आपका पैसा क्रेडिट नहीं होता है तो आप ऑनलाइन सर्विस पे आके फिर से यहाँ पे क्लेम ट्रैक पे आके स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप जो अप्लाई किए हैं तो स्टेटस क्या है। जैसे आपका अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्लेम सेटल कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे आप ट्रैक करके देखेंगे। अगर आपका सेटल नहीं होता है तो क्या रीज़न है, यहाँ पर अगर फेल होगा तो भी यहाँ पे रीज़न दिखा देगा। तो इस तरह से पीएफ एडवांस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।